आज हम बात करने वाले हैं पिग के बारे में। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिग डेटा का, राइट? तो आप प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो पिग, पहले हम बता देते हैं कि पिग है क्या। देखिए, जो पिग है ना, ये हडूप का एक कंपोनेंट है। आप इसके बारे में जानते होंगे, अगर आप हडूप इको सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे तो आप पिग के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये पिग जो है, पिग है ये हडूप का एक कंपोनेंट है, राइट? तो अब देख लेते हैं पिग है क्या। पिग इज अ टूल और प्लेटफॉर्म विच इज यूज टू एनालाइज लार्ज सेट ऑफ डाटा। देखो, पिग का यूज होता है, हम लार्ज सेट ऑफ डाटा को एनालाइज करने के लिए करते हैं, राइट? पिग एक टूल होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, जिसका यूज हम लार्ज सेट ऑफ डाटा को एनालाइज करने के लिए करते हैं, रिप्रेजेंटिंग नेम एज अ डाटा फ्लो, ओके? जो कि रिप्रेजेंट होता है एज अ डाटा फ्लो के जैसे। पिग इज जनरली यूज विद हडूप। पिग जो होता है जनरली हम हडूप के साथ यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि पिग जो होता है ये कंपोनेंट होता है हडूप का, तो जनरली हम हडूप के साथ ही यूज करते हैं। वी कैन परफॉर्म ऑल द डाटा मैनिपुलेशंस ऑपरेशंस इन अ हडूप। हम जो है सभी टाइप्स के डाटा मैनिपुलेशंस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं हडूप में। हम जो है सभी टाइप्स के डाटा मैनिपुलेशंस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन का मतलब क्या है? डाटा को ऐड करना, उसे ज्वाइन करना, उसे सॉर्ट करना, तो ये सब क्या है? डाटा मैनिपुलेशंस ऑपरेशंस है, ठीक है? तो हम इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं हडूप में, किसके यूज से? अपाचे पिग के यूज से। अपाचे पिग के यूज से हडूप में हम सभी टाइप्स के डाटा मैनिपुलेशंस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? टू राइट अ डाटा एनालिसिस प्रोग्राम। देखिए, अगर हमें डाटा को एनालिसिस करना है, राइट, अगर हमें डाटा को एनालिसिस करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें प्रोग्राम को राइट करना होगा। अब प्रोग्राम को राइट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होगी। ऑब्वियसली लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जैसे कि जब भी बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, तो प्रोग्राम को एनालिसिस करने के लिए जो होगी बहुत सारे लैंग्वेज की ज़रूरत होगी हमें, मतलब सॉरी, बहुत सारे लैंग्वेज की नहीं, मतलब लैंग्वेज की ज़रूरत होगी, ठीक है? तो उसके लिए पिग क्या करेगा? पिग प्रोवाइड करेगा हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे हम पिग लैटिन कहेंगे। देखो, एनालिसिस के लिए हमें प्रोग्राम लिखना होगा। अब उस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें पिग क्या प्रोवाइड करेगा? एक हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोवाइड करेगा, जिसे हम पिग लैटिन कहेंगे, ओके? चौथा पॉइंट देख लीजिए। दिस लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज? पिग लैटिन लैंग्वेज प्रोवाइड्स अ वेरियस ऑपरेटर्स। ये हमें बहुत सारे ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करेगा, यूजिंग विच प्रोग्रामर्स कैन डेवलप देयर ओन फंक्शंस फॉर रीडिंग, राइटिंग एंड प्रोसेसिंग अ डाटा। देखिए, ये हमें बहुत सारे ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करेगा पिग लैटिन, जिसके यूज से प्रोग्रामर क्या करेंगे? वो डेवलप करेंगे अपना खुद का फंक्शन। अब वो खुद का फंक्शन क्यों डेवलप करेंगे? ऑब्वियसली डाटा को प्रोसेस करने के लिए खुद का फंक्शन डेवलप कर सकते हैं, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए। तो डाटा को प्रोसेस, रीड, राइट करने के लिए जब प्रोग्रामर खुद का फंक्शन डेवलप करेंगे, तो उसके लिए क्या जरूरत होगी? ऑपरेटर्स की जरूरत होगी। तो वो ऑपरेटर्स कौन प्रोवाइड करता है? पिग लैटिन प्रोवाइड करता है, ओके? फिर आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। टू एनालाइज डाटा, सॉरी, टू एनालाइज डाटा यूजिंग अपाचे पिग। देखिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए हम अपाचे पिग का यूज करते हैं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि डाटा को एनालाइज करने के लिए हम अपाचे पिग का यूज करते हैं, ठीक है? तो प्रोग्रामर्स नीड टू राइट अ स्क्रिप्ट। तो अगर हमें डाटा को एनालाइज करना है, तो प्रोग्रामर को नीड क्या होगा? पहला तो नीड होगा कि प्रोग्रामर लिखे क्या, एक प्रोग्राम्स को लिखे, राइट? एक प्रोग्राम को लिखे, तो उन्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होगी। तो वही कहने की वही इसमें भी यही कहा है कि प्रोग्रामर्स नीड टू राइट अ स्क्रिप्ट यूजिंग अ पिग लैटिन लैंग्वेज। यानी पिग लैटिन लैंग्वेज के यूज से प्रोग्रामर को नीड होगी कि वो राइट करे स्क्रिप्ट को, किसके लैंग्वेज के यूज से? पिग लैटिन लैंग्वेज के यूज से, ठीक है? और किसी लैंग्वेज नहीं, पिग लैटिन लैंग्वेज के यूज से प्रोग्रामर क्या करे? राइट करे स्क्रिप्ट को, ऐसा उसे नीड होगा प्रोग्रामर को। क्योंकि अगर हमें डाटा को एनालिसिस करना है, राइट, अगर हमें डाटा को एनालिसिस करना है अपाचे पिग के यूज से, तो हमें अपाचे पिग, यानी कि जो अपाचे पिग क्या प्रोवाइड करता है, ये पिग लैटिन लैंग्वेज को प्रोवाइड करता है, तो इसी लैंग्वेज के यूज से हमें एक स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत होगी, ओके? और ऑल दीज स्क्रिप्ट आर इंटरनली कन्वर्टेड टू मैप एंड रिड्यूस टास्क। ये जो स्क्रिप्ट होंगे, ये इंटरनली कन्वर्टेड हो जाते हैं मैप में, और ये क्या करते हैं? टास्क को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ये इंटरनली कन्वर्ट हो जाते हैं, ओके? और सातवां पॉइंट कहता है, अपाचे पिग हैज अ कंपोनेंट नोन एज अ पिग इंजन। अपाचे पिग के पास जो कंपोनेंट होता है, उसे हम पिग इंजन कहेंगे।
दैट एक्सेप्ट अ पिग लैटिन स्क्रिप्ट एज अ इनपुट, जो कि पिग लैटिन स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करेगा एज अ इनपुट के जैसे। पिग हैज अ टू एक्सक्यूशन टाइप मोड, टाइप और मोड। पिग के पास दो एक्सक्यूशन टाइप्स होते हैं या फिर मोड भी हम कह सकते हैं कि दो टाइप्स के एक्सक्यूजन होते हैं या फिर मोड होते हैं। पहला लोकल मोड होता है और दूसरा मैप रिड्यूस मोड होता है। अब हम फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं पिग के। पिग का पहला फीचर्स होता है रिच सेट ऑफ ऑपरेशंस। रिच सेट ऑफ ऑपरेशन मतलब ये कि पिग जो होता है, हमने पढ़ा था पहले ही कि ये हमें प्रोवाइड करता है क्या, बहुत टाइप्स के ऑपरेटर को प्रोवाइड करता है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये हमें बहुत बहुत टाइप्स के ऑपरेटर को मतलब प्रोवाइड करता है, जैसे कि ज्वाइन हो गया, सॉर्ट हो गया, फिल्टर्स हो गया। सो इसको इसका पहला फीचर्स है रिच सेट ऑफ ऑपरेशंस। दूसरा है इजी ऑफ प्रोग्रामिंग। तो जो पिग लैटिन लैंग्वेज होता है राइट, ये लगभग सेम होता है एसक्यूएल लैंग्वेज से, यानी कि जैसा एसक्यूएल लैंग्वेज होता है उससे लगभग सिमिलर होता है, सेम होता है। इट इज़ इजी टू राइट अ पिग स्क्रिप्ट इफ वी आर एट एसक्यूएल। देखो अगर हमें एसक्यूएल लैंग्वेज आती है तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा पिग लैटिन लैंग्वेज में, पिग लैटिन लैंग्वेज को में स्क्रिप्ट को लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स, ये हमें ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स भी देता है। द टास्क इन अपाचे पिग ऑप्टिमाइज देयर एक्सक्यूशन ऑटोमेटिकली, यानी कि जो टास्क होते हैं अपाचे पिग में राइट, वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। उनका जो टास्क का एक्सक्यूशन होता है ना, ये क्या होता है कि ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑप्टिमाइज होता है, हो जाता है, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं राइट, उनके यूज से जो होता है यूजर डेवलप कर सकते हैं अपना खुद का फंक्शन, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए डाटा को। डाटा को रीड राइट और प्रोसेस करने के लिए यूजर्स अपना खुद का फंक्शन डेवलप कर सकते हैं, किसके यूज से, जो भी हमारा ऑपरेटर एग्जिस्ट कर रहा है पिग लैटिन लैंग्वेज में, ठीक है। यूएसएम मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शंस। पांचवा फीचर है यूजर डिफाइंड फंक्शन। कहने का मतलब यह है कि पिग हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी क्रिएट करने के लिए यूजर डिफाइंड फंक्शन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा राइट। तो पिग हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ डाटा मतलब कि जो पिग होता है ये सभी टाइप्स के डाटा को हैंडल करता है। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर डाटा को भी हैंडल करता है, नॉन स्ट्रक्चर मतलब अनस्ट्रक्चर डाटा को भी हैंडल करता है। तो ये सभी काइंड्स ऑफ डाटा को हैंडल करता है राइट। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए बिग डाटा के अदर टॉपिक्स पे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।